नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। अपनी शादी के कार्ड बांटने गए युवक का कंकाल मिला। उसी दिन गांव की एक लड़की भी हुई थी गायब। चंबल के भिगड़ाव में लड़के के खून से लथपथ कपड़े, शादी के कार्ड का थैला व 4 मोबाइल मिले। लड़के का कुछ पता नहीं चला है। 1 अप्रैल 2019 को खिरेटा गांव से मोटरसाइकिल पर गया था कार्ड बांटने। 2 अप्रैल को घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर लावारिस मोटरसाइकिल वीरेंद्र माहौर उम्र 22 वर्ष की थी। अम्बाहा पुलिस मौके पर कर रही है जांच। FSL दल डॉग स्क्वाड के साथ बिहड़ों में कर रहा है तलाश। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। पेयजल संकट से अब मुरैना जिला के ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र भी प्रभावित हो रहे हैं। कहीं पानी नहीं है तो कहीं गंदा पानी पाइपलाइनों में आने से पेयजल संकट बढ़ रहा है। मुरैना शहर के अनेक क्षेत्रों में गंदा व बदबूदार पीला पानी आने से आम जन आक्रोशित हो रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि नगर निगम के महापौर के निज निवास वाले दत्तापुर मोहल्ले में ही सबसे अधिक दुर्गंध वाला पानी आ रहा है। इस मोहल्ले के महिला व पुरुषों का कहना है कि ऐसा पानी पीते रहे तो निश्चित ही भगवान के पास पहुंचने में देर नहीं लगेगी। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मोहल्ले में गंदा पानी आ रहा है तो तकनीकी कारण है। आज बोर उसका खुल रहा है, इसमें कोई भी जो भी कमी आएगी उसको दूर किया जाएगा और जरूरत होगी तो नया बोर करा देंगे। पहले लोगों ने कहाँ रखे हैं, पहले तो जी देख लो, जिस गली में समस्या है उस गली के लोगों ने कितना गली का सत्यानाश किया है ये पता लगाओ पहले तो। इसमें सब लोग दोषी हैं थोड़ा थोड़ा। हम तो उस गली में बोर करा दें, आज उस गली के अंदर कोई भी साधन जाने की स्थिति नहीं है, डोर टू डोर गाड़ी जाने की स्थिति में नहीं है। जबरदस्त आतिशबाजियों के साथ टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता ओबरा कप का 6वां संस्करण विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गांधी मैदान के प्रांगण में आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि सोनभद्र से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक मिश्रा द्वारा हुआ। उद्घाटन समारोह के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र पटेल, जिला महामंत्री युवा मोर्चा सोनभद्र विनय श्रीवास्तव रहे। आयोजन में अतिथि के रूप में ओबरा थाना अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह उपस्थित रहे। सोनभद्र से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। राजकीय महाविद्यालय में बैठक का आयोजन, SDM रामकिशोर मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक। SDM ने किया महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण। बैठक में अधिक से अधिक नामांकन पर हुई चर्चा। बैठक में पालिका उपाध्यक्ष निहाल मीणा, समाज सेवी देवेंद्र सैनी, संजय लवानिया सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। कामा से आमिर खान की रिपोर्ट। 46 डिग्री की गर्मी में अगर किसी प्यासे को पानी पिलाया जाए तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य कुछ नहीं हो सकता। इस भीषण गर्मी में भदोही रेलवे स्टेशन पर यही पुण्य कार्य एक संगठन द्वारा यात्रियों से लेकर कर्मचारियों तक को निःशुल्क ठंडा पानी पिलाकर किया जा रहा है। संगठन के इस नेक कार्य से रेल यात्रियों को गर्मी में काफी राहत मिल रही है। भदोही से अनंत देव पांडे की रिपोर्ट। जल सेवा करते दरमियान पप्पू जी राठी और एक अनिल भट्टर ने, दो औरतें जो ट्रेन के बीच में आ गई थी, नीचे आ गई थी, उसको अपनी जान जोखिम में डालकर और उसको बाहर निकाला है। ये आज तक की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि दो जान बचाई है। देखिए, सब लोग, पूरी दुनिया एसी में बैठी है और हम लोग भी 6 दिन तो एसी में बैठते ही हैं, लेकिन 7वें दिन बिना पंखे के और 45 डिग्री टेम्परेचर में ये सेवा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं और ट्रेन में भाग भाग के पानी देना। हर संडे को प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक निःशुल्क जल सेवा करते हैं। इसमें हर रेलवे के जो भी इंजन ड्राइवर होते हैं, आपने देखा ही होगा, पानी की बोतल उनको दी जाती है और करीब करीब इसमें 8 सिल्ली बर्फ़ की लगती है, 2200 पाउच करीब इसमें पानी के लगते हैं और करीब 8000 लीटर पानी डेली हर संडे को सभी भाइयों के मदद से ये पिलाया जाता है। और इसमें सब लोग अपने से ही, कोई बुलावा निःशुल्क बुला, सब अपनी मर्जी से आके अपना स्वयं काम करते हैं, अपनी मन की संतुष्टि के लिए काम होता है। और इसमें हमारे श्री हरिकृष्ण जी कोठारी हैं, बिना सेवा के घर से खाना बना के हम सबको कार्यकर्ताओं खाने की व्यवस्था करते हैं, तो इनके लिए हम लोग सब मानते हैं कि इन्होंने एकजुटता करके ये की है। 50 लोगों से जुड़ी ये संस्था है, इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, हम मैसेज डाल देते हैं, हर संडे बिना किसी को फ़ोन किए सब लोग आ जाते हैं, सब सेवाभावी लोग हैं, मारवाड़ी समाज से जुड़े हुए लोग काफ़ी हैं, बाकी यहाँ के लोग भी हमारे साथ हैं, बच्चे भी हैं, सीनियर भी हैं, जवान भी हैं, सब तरह के लोग जुड़े हुए हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।